बता दें कि इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर आ रही है बिहार से, और वो खबर भी है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान 10 लाख नए सदस्य जोड़ने का अभियान बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास 10 लाख और नए सदस्य अपने साथ जोड़े, ताकि उन्हें 2024 और 2025 के लोकसभा चुनाव में फायदा हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बताने की बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 10 लाख नए सदस्य जोड़ने का अभियान शुरू करने वाली है। बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने पहले ही कहा था कि उनकी पार्टी चुनाव से पहले ही 10 लाख नए सदस्य जोड़ने का अभियान शुरू करने वाली है। अब बता दें कि अब इस वक्त की जो खबर आ रही है, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लोजपा रामविलास बहुत ही जल्द 10 लाख नए सदस्य अपने साथ जोड़ने का काम शुरू करने वाली है, जिसको लेकर सारी तैयारियां शुरू कर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये पार्टी का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अपने साथ जोड़ सके, ताकि और सबसे ज्यादा उनका लक्ष्य है युवाओं को अपने साथ जोड़ना, क्योंकि आज के युवा जो भी हैं बिहार के, वो सबसे ज्यादा उनके नजर में लोकप्रियता जो अगर किसी की है तो सबसे ज्यादा चिराग पासवान की है, और इसी का फायदा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास उठाना चाहती है कि जितना ज्यादा सदस्य अपने साथ जोड़ सके उतने ज्यादा उसे फायदा होने वाला है। बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि बिहार के युवाओं पे उन्हें सबसे ज्यादा गर्व है, और बिहार के युवाओं की क्षमता को देखते हुए, बिहार के युवाओं की दक्षता को देखते हुए सबसे ज्यादा चिराग पासवान का कहना है कि बिहार के युवा आज सभी राज्यों से काफी आगे हैं, और जिस तरह से बिहार के युवा आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से बिहार की युवा पीढ़ी शिक्षित होती जा रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के लोग समझदार हैं और अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है, जिसको लेकर अब पार्टी का लक्ष्य है कि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ सके, ताकि पार्टी आगे के भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।